देश में लॉकडाउन जारी है। सभी से जो जहां हैं वहीं रहने की अपील की जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग हैं कि प्रशासन की सुनने को तैयार नहीं। लोग इधर से उधर बड़े आराम से चले जा रहे हैं, जैसे देश में कोरोना कभी था ही नहीं। ठीक उसी तरह दूसरे प्रदेशों और अन्य जिलों से मजदूरों का ग्वालियर जिले में आना और जाना लगातार जारी है। अभी तक ऑरेंज जोन में चल रहे ग्वालियर में लगातार मजदूर आ रहे हैं, साथ ही कई मजदूर यहां से जा भी रहे हैं। मंगलवार की रात को कटनी जिले के कई मजदूर ग्वालियर से अपने जिले के लिए रवाना हुए। ऐसी ही स्थिति हरियाणा के रेवाड़ी से कुछ मजदूर ग्वालियर पहुंचे। इन मजदूरों को 3 बसों के माध्यम से कटनी भेजा गया। बाईपास से डायल 100 के कर्मचारी तीनों बसों को लेकर सीधे जिला अस्पताल पहुंच गए। बसों में सीटों के अलावा छतों पर भी मजदूर बैठाए गए थे और ये सभी मजदूर आपस में सट कर बैठे थे। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। इन सभी मजदूरों का कटनी के जिला अस्पताल में चेकअप किया जा रहा है। चेकअप के दौरान जिला अस्पताल में भीड़ जैसा माहौल बन गया। ये लोग हरियाणा से आए हैं और 3 बस आई है, 110 लोग आए हैं। ये रीठी और बहरीबंद जाएंगे, तो इनके बस की व्यवस्था कर दी गई है, इनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई है और शीघ्र ही अभी जांच के बाद ये रवाना रीठी और बहरीबंद जाएंगे। जांच के अभी तो जांच चल रही है, अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सेफ हैं। अब पीपीई किट के बारे में सिविल सर्जन सीएमएचओ से जानकारी लेंगे, तब आपको कुछ बता पाएंगे। न्यूज़ डेस्क।